आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। इमामबाड़े को लेकर आज आदर्श सड़क पर हजारों की संख्या में हिंदू समाज के लोग इकट्ठा हुए और ये जुलूस के रूप में कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर पहुंचे। धार कलेक्टर प्रियंक मिश्रा को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन कलेक्टर प्रियंक मिश्रा को समिति के राधेश्याम यादव के द्वारा सौंपा गया। हजारों की संख्या में लोग आदर्श सड़क पर एकत्रित हुए थे। वही आपको बता दें कि आज धार शहर का मुख्य बाजार भी बंद है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। सांस्कृतिक धरोहर रक्षा समिति के द्वारा यह ज्ञापन धार कलेक्टर को सौंपा गया। आदर्श सड़क से कलेक्ट्रेट तक पैदल जुलूस के रूप में हिंदू भगवा ध्वज लिए नारे लगाते हुए पहुंचे। ये लोग प्रतीकात्मक रूप से ताला भी लेकर साथ में चल रहे थे। इस दौरान धार शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात था। सुरक्षा के लिए पुलिस की 4 कंपनियां बुलवाई गई। शांतिपूर्ण तरीके से यह ज्ञापन दिया गया। पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम रहे। वही कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने जिले के वासियों से शांति सद्भाव बनाए रखने की अपील की। ज्ञापन के पश्चात कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में जिला प्रशासन का सहयोग करे। किसी भी प्रकार से कोई उल्लंघन होता है तो दंडात्मक कार्रवाई होगी। प्रकृति के न्याय के सिद्धांत के अनुसार जो सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए, जिसका सबको अधिकार होता है। जिला प्रशासन की जिम्मेदारी आम जन की रक्षा और सुरक्षा की है। वही पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने कहा कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता जिले में सांप्रदायिक सौहार्द बनाना, कानून व्यवस्था बनाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जनता में प्रशासन का भरोसा रहे, यह हमारी प्राथमिकता है और चप्पे चप्पे पर हमारी नजर है। जनता भयमुक्त होकर अपना व्यापार करे। हम लोग किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था बिगड़ने नहीं देंगे। यदि कोई इशू आता है तो उसे सॉल्व करेंगे, बातचीत करके सॉल्व करेंगे, यह हमारा पूरा प्रयास है। वही सांस्कृतिक धरोहर रक्षा समिति के आशीष बसु ने कहा कि हम शहर के हिंदुओं के साथ है, जिससे हमें आज तक इमामबाड़ा मान रहे थे। वह PWD का भवन है, नगर पालिका के दस्तावेज में दर्ज है। यह अभियान हिंदू समाज का अभियान है। देखिए खबर SKP लाइव न्यूज पर। क्या रुक जा, खिंचा रहा उधर से। अरे नहीं खिंचा रहा बहू यार। हमारी भारत माता ने जगत प्रशासन को अपनी जवाबदारी बताना है। अपनी अपनी जगह बैठ जाए, कोई भी कार्यकर्ता खड़ा नहीं रहेगा। 316 को तथाकथित इमामबाड़ा घोषित किया गया है, किया जा रहा है, वह इमामबाड़ा है ही नहीं। यह भवन शायद केवल ताजिया रखने बात होना पड़ेगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की रहेगी। धन्यवाद। थोड़ा पीछे हो जाए। और जो भी नियम है, जो भी सिद्धांत है, उसके तहत इसमें जो भी कार्रवाई होगी वह हम लोग समय सीमा में पूर्ण करेंगे। इस
इसके लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है और आप लोगों से भी आग्रह है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में जिला प्रशासन की मदद करें और इसमें जो भी नियम नियति के जो भी सिद्धांत। देखिए, इस मामले में मुझे अभी ज्ञापन दिया गया है और इस पे जो भी आवश्यक कार्रवाई नियमानुसार कार्रवाई जो भी होगी उसके लिए जिला प्रशासन PWD को और अन्य विभाग जो भी इससे जुड़े हुए होंगे उनको निर्देशित भी करेंगे और हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि नियमानुसार सुनवाई का अवसर देते हुए हम लोग इसमें कार्रवाई करेंगे। ये जानकारी में अब संज्ञान में ये चीज़ आ गई है और मैं इसके अलावा सभी धारवासियों से यही आग्रह करना चाहूँगा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में जिला प्रशासन का पूरा सहयोग करें। कानून व्यवस्था बनाए रखना ही सबके हित में है। यदि कानून व्यवस्था में किसी भी प्रकार का कोई उल्लंघन हम लोग महसूस करेंगे तो जो भी आवश्यक दंडात्मक कार्रवाई होगी वो हम लोगों को करनी पड़ेगी। सर, इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है? देखिए, इसमें PWD विभाग से जो नोटिस जारी किया गया है मुझे बताया गया है, उनसे अब हम लोग पूछेंगे कि उनको जो नोटिस हैं तो यदि क्या जवाब आया है। और इतना ही मैं कह सकता हूँ कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार जो एक सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए जिसका अधिकार सभी को होता है उस सुनवाई का अवसर का। सिर्फ एक ज्ञापन को लेकर धार शहर में इतना भारी पुलिस बल तैनात किया गया, कहीं ना कहीं लोगों में नहीं, देखिए आज के समय में हम लोगों की जिला प्रशासन की जो सबसे पहली जिम्मेदारी है वह आम जन की रक्षा सुरक्षा है। ये बात सही है कि कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि ज्ञापन दिए जाने की प्रक्रिया में ना चाहते हुए भी कोई ऐसी कमी पेशी रह सकती है, कोई मिसचीफ हो सकता है, उस तरीके को देखते हुए हम लोग आसपास देखते रहते हैं, इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं, उसमें किसी की कोई गलती नहीं रहती, जो संगठन आते हैं उनकी भी कोई गलती नहीं रहती, फिर भी जो है कोई ऐसी छुटपुट घटना है सोशल मीडिया के दुष्प्रचार से हो जाता है। तो ये अब एक प्रैक्टिस सी है कि हम लोग प्रयास ये करते हैं कि एकदम हमारी व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त रहे। ये ऐसा नहीं है कि आज आप लोग त्योहारों पे भी देखते हैं, त्यौहार भी हमारे अच्छे से निपटते हैं फिर भी हमारी व्यवस्था रहती है, तो उसको देख करके पुलिस प्रशासन के द्वारा ये व्यवस्था की गई थी। थैंक यू सर। पहले चंद्रयान का जो सफल है यात्रा रही है चांद पर जाने की, उसके लिए सभी जिलावासियों को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, अपने वैज्ञानिकों को याद करता हूँ कि यह देश विश्व में अपना स्थान प्राप्त किया है। जहाँ तक धार शहर की कानून व्यवस्था की सवाल है तो आम जनता की सुरक्षा, यहाँ की कानून व्यवस्था, यहाँ का सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, यह हम लोगों की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आम जनता भयमुक्त होकर अपना व्यापार करे, अपना काम करे। हम हर तरह से शहर के ज़िले के चप्पे चप्पे पर नज़र रखते हैं। मैं आप सभी के माध्यम से धार जिले वासियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि कानून व्यवस्था किसी भी स्थिति में हम लोग बिगड़ने नहीं देंगे। जनता यहाँ की भरोसा रखे, कोई भी इश्यू हो यहाँ का त्यौहार शांतिपूर्ण ढंग से मने, यहाँ के कोई इशूज आते हैं उसको हम लोग तरीके से सॉल्व करें, बातचीत करके सॉल्व करें, ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा। लेकिन सांप्रदायिक सौहार्द कानून व्यवस्था बनाना हम लोगों की सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिसके लिए हम लोग व्यवस्था समय समय पर सूचित करते हैं और आगे करते भी रहेंगे ताकि जनता में प्रशासन के प्रति भरोसा बढ़ सके। धन्यवाद। सर, ये जो ज्ञापन दिया गया है जिसमें समय सीमा को लेकर एक अल्टीमेटम दिया गया है, तो कहीं ना कहीं इस अल्टीमेटम से एक तनाव बना रहेगा, तो उससे किस तरह से निपटें? नहीं, आप सबके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि कहीं भी कोई तनाव की स्थिति नहीं है। कल कई लोगों के स्कूल के प्रिंसिपल से, व्यापारियों से हमारे DM साहब की सीधे बातचीत हुई। लोग सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाते हैं, उस पर भी हम लोग लगातार नज़र रखे हुए हैं, कुछ कार्रवाइयाँ भी हम लोगों ने की है। तो मैं आप सबके माध्यम से प्रेस बंधुओं का, आप लोगों का भी काफ़ी सहयोग रहा है मैं देख रहा हूँ, तो आप सभी के माध्यम से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि कोई तनाव नहीं है, कोई भय का माहौल नहीं है। एक इशू आया है जिस पर लोगों ने ज्ञापन दिया है, इस पर प्रकट साहब बता रहे हैं कि हम लोग परीक्षण करके इसका समाधान तरीके से हल निकालेंगे, लेकिन किसी को भय होने की आवश्यकता नहीं है। कानून व्यवस्था बनाए रखना, सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आपके माध्यम से हम जिले की समस्त जनता से सहयोग भी चाहते हैं। धन्यवाद भैया। आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया, ताला भी भेंट करने वाले थे, कितनी पब्लिक रही और क्या रहा सब कुछ? पब्लिक का आंकड़ा तो अभी आया नहीं हमारे पास, पर जो हमने अभियान चलाया था पिछले 20 दिन से स्वाभिमानी हिंदुओं का, उसका प्रकटीकरण तो होता दिखा है आज। और हमारे ज्ञापन में था कि उस पर प्रशासन अपने आदेश का पालन करा, और जो अभी तक जिसको हम इमामबाड़ा मान रहे हैं नगर पालिका के रिकॉर्ड में, वो PWD की भवन है, 316 नंबर मकान, 317 नंबर मकान ये PWD का है।
318 मस्जिद है और 319 जो है वो इमामबाड़ा है। ये नगर पालिका के दस्तावेज में दर्ज है, उसकी कॉपी हमने निकलाई है, उसी के आधार पर आपको ये जानकारी दे रहे हैं। आपका जो ये जन अभियान था, हिंदुओं को जगाने का अभियान था, क्या आपको लगता है कि ये ज्ञापन देने से ऐसा विश्वास तो होता है? बिना सड़क पर उतरे 46 साल बाद PWD को दो नोटिस देना पड़ गया है, तो निश्चित इतने बड़ा जन सैलाब देख कर ही अपने निर्णय को लेंगे। और हमारी तो सीधी मांग है कि हिंदुओं पर अपने आदेश का पालन कराने के लिए आप बल प्रयोग करते हैं, अपमानित करते हैं, तो मुस्लिम समाज के पास जो अवैध अतिक्रमण है उसको खाली कराने में आपको जब सारे दस्तावेज हमने उपलब्ध करा दिए, फिर देर किस बात की। यदि अभी भी ताला नहीं लगता है तो अगली बार आपका ये जो अभियान है जन अभियान, वो किस क्या रूप में? अभियान हमारा नहीं है, ये अभियान हिंदू समाज का है। ये कोई समिति के लोग नहीं आए थे, ये स्वाभिमानी और सक्रिय हिंदुओं का प्रकटीकरण था। यही स्वाभिमानी हिंदू और सक्रिय हिंदू जो निर्णय लेगा, हम भी इसी नगर में रहते हैं, हम भी हिंदू हैं, हम उनके साथ रहेंगे। नाम आशीष बसु।